नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है, जिसके चलते तालाब और नदियों का पानी सूखने लगा है। आपको बता दें कि इंसानी नहीं बल्कि पशु पक्षी भी इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। शहर की गलियों में दिन के 10 बजे से सन्नाटा हो जाता है। जब कोई जरूरी काम होता है तभी लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं। तापमान अपने चरम पर है, अधिकतम 40 तथा न्यूनतम 28 के पास पहुंच रहे पारे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कड़ी धूप होने के कारण लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं और इतनी गर्मी में कूलर पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। आपको बताते चले कि साथ ही अधिक गर्मी होने के कारण खेतों की फसलों में आग लग रही है। थाना क्षेत्र जसपुरा गाँव भाता खलिहान में रखी 20 बीघे की फसल में आग लग गई। मौके पर पहुंची ग्रामीणों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से इफ्तार की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम। आपको बता दें कि 8-9 मई को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जरवा कस्बा गडारा बहराइच बाराबंकी में एक साधारण समारोह का आयोजन किया, जिसमें इफ्तार किट इफ्तार के लिए एक महीने का राशन वितरण किया। शहर के अलग अलग हिस्सों में सर्वे करके परिवारों को चिन्हित किया कि जिनके घर परिवारों में कोई मुखिया नहीं है और वह लोग बहुत मजबूर हैं, उन लोगों को इफ्तार के लिए एक महीने का राशन वितरण किया। पॉपुलर फ्रंट का मकसद है कि जरूरत की मदद करना। पॉपुलर फ्रंट पिछले कई सालों से इस तरह के नेक कार्य करते आ रहे हैं। इफ्तार किट एक महीने के राशन में आटा, दालें, चीनी, तेल, घी, नमक, मिर्ची आदि सहित कई सामान दिए जाते हैं। गरीब परिवारों ने इस सामग्री को पाकर खुशी जाहिर की। गरीबों ने पॉपुलर फ्रंट को दुआओं से नवाजा। इस मौके पर सलमान अहमद, आलिम अहमद, मिस बाहुद्दीन शहीद मस्जिद इमाम हाफिज रहमती उल्लाह अन्य सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलती गाड़ी में अचानक भीषण आग लगने से यातायात प्रभावित। आपको बता दें कि जलवल बहराइच जिला के जलवल रोड गोंडा लखनऊ हाईवे पर डीसीएम में अचानक आग लगी। वह धुंधुर कर जलने लगी। पलक झपकते ही आग का गोला बनी डीसीएम। डीसीएम के अंदर से विस्फोट शुरू हो गए। राहगीरों व आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बताते चले कि गुरुवार की सुबह जरवल रोड की तरफ से करनेलगंज आ रही एक डीसीएम में जोरदार विस्फोट होने लगा, जिससे आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना 100 नंबर पुलिस को दी। कोतवाली करनेलगंज से पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। करनेलगंज के कोतवाल राजेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना सीमा पर जरूर हुई, मगर स्थल जरवल थाना क्षेत्र में है, इसलिए कार्रवाई व जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।